गर्मियों के मौसम में ऐसे ठंडे ठंडे लस्सी किसे ना पसंद है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल दुकान जैसे लस्सी, एकदम ठीक कंसिस्टेंसी में बट अलग अलग फ्लेवर में। बनाएंगे आज ड्राई फ्रूट लस्सी, पाइनएप्पल लस्सी, रोज़ लस्सी और चॉकलेट लस्सी। नमस्कार, मैं अर्पिता, अब बॉन्ग किचन टेल्स में आपका स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले प्लेन लस्सी बनाएंगे। एक मिक्सिंग जार लेंगे और इसमें देंगे एक कप चीनी। तो ये चार ग्लास लस्सी बनाने के लिए है और इसे पहले पीस लेंगे क्योंकि पाउडर्ड शुगर दही में बहुत जल्दी जल्दी घुल जाते हैं, नहीं तो ये दानेदार चीनी अक्सर मिक्सिंग जार में रह जाते हैं ब्लेंड करने के बाद। अब इसमें देंगे 600 ग्राम दही और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, तो ये साइड पर रखते हैं। तो पहले बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स लस्सी। तो एक बोल में 1/4 कप आमंड, 1/4 कप काजू, 1/4 कप किशमिश एक घंटे पानी में पहले ही सोख करके रखा था, तो अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, और अब इसमें देंगे एक ग्लास लस्सी, बर्फ़ के कुछ टुकड़े और इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। तो ये बन गया है ड्राई फ्रूट्स लस्सी। ऊपर डेकोरेशन के लिए चॉप किया हुआ पिस्ता देंगे। आप चाहे तो चॉप किया हुआ आमंड, कैश्यू, कोई कुछ भी दे सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं पाइनएप्पल लस्सी। तो इसके लिए मैं यूज़ किया पाइनएप्पल क्रश। आपके पास अगर फ्रेश पाइनएप्पल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा, फिर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक ब्लेंडिंग जार में देंगे 2 टेबलस्पून पाइनएप्पल क्रश, 1 ग्लास लस्सी और कुछ बर्फ़ के टुकड़े और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। और ये बन गया है पाइनएप्पल लस्सी। तो ऊपर थोड़ा पाइनएप्पल क्रश भी देंगे। आप अगर फ्रेश पाइनएप्पल यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ टुकड़े दे सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं रोज़ लस्सी। तो पहले देंगे 2 टेबलस्पून रोज़ सिरप। ये मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा या फिर आप घर पे भी बना सकते हैं। इसके बाद देंगे कुछ बर्फ़ के टुकड़े और 1 ग्लास लस्सी, ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करने के बाद ये बन गया है रोज़ लस्सी। और ऊपर डेकोरेशन के लिए देंगे कुछ रोज़ पेटल्स, ड्राई रोज़ पेटल्स। और अब लास्ट में बनाते हैं चॉकलेट लस्सी। तो बचा हुआ जो लस्सी है उसमें देंगे 2 से 3 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप। तो ये मार्केट वाला जो चॉकलेट सिरप मिलते हैं वही मैंने यूज़ किया। आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं या फिर चॉकलेट गनाश दे सकते हैं। मार्केट में जो अमूल हो या हर्षे हो जो चॉकलेट सिरप मिलते हैं वो आप दे सकते हैं। कुछ बर्फ़ के टुकड़े देंगे और अब अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करने के बाद ये बन गया है चॉकलेट लस्सी। ऊपर डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा चॉकलेट सिरप दे देंगे। आप चाहे तो कोको पाउडर भी दे सकते हैं या फिर चॉकलेट चिप्स दे सकते हैं। तो बन गया है आज की डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी ठंडे ठंडे 4 फ्लेवर की लस्सी। है ना कितना आसान सा रेसिपी। घर पे बैठे आप दुकान जैसे ये लस्सी बना सकते हैं। और कंसिस्टेंसी देखिए कितना ठीक है और टेस्ट बिल्कुल एक से बढ़कर एक है। जब भी मन करे आप बना सकते हैं, घर पे मेहमान आए या फिर खुद के लिए, आप बनाइए और खा के इंजॉय कीजिए, आप इसका फ़ैन बन जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो एक लाइक भी कीजिए। और आने वाले ऐसे बहुत सारे मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा नोटिफिकेशंस के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।